व्हाट्सअप गाइस, सूर्या द सोल्जर मूवी के प्री क्लाइमेक्स सीन पर पहुंच चुके हैं। पिछली वीडियो में भी कहा था कि एटलीस्ट चार या पांच मूवीज के नाम सेज कर दें, बॉलीवुड से भी आप सेज कर सकते हो जिन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। कॉमेडी मूवीज बता सकते हो, हॉरर भी बता सकते हो। 1920 इविल रिटर्न नहीं देखे मैं, 1920 पहली वाली देखी, इविल रिटर्न नहीं देखी, उस पर भी कर सकते हैं। बाकी आप सेज करना ना बोले, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें। लाइक 1 2 3 गो। हाँ ये चल पड़ा था, झूल रहा है वो ऐसे, उसके उसकी तरफ बढ़ चुका है, वहां नींद पूरी हो रही है। रोकेगा कौन ये? नहीं खुद रुक गया, क्या मार दिया किसे? अबे अरे वाह लड़के, आज समझदारी। नहीं चलना, ईगो बीच में मत लाओ। लेकिन इसने पैर क्यों पकड़े? तुम्हारा बेटा इसके कब्जे में है चलना। अच्छा वो दिमाग से खेल रहा है। मत लो, इसके साथ समझौता करो। कैसे समझाया? नींद डिस्टर्ब मत कर भाई, फिर इलाज होगा तो किसी का यहाँ। उठ जा, बहुत सो लिया। क्यों कर रहे थे? क्या चाहिए तुझे? सो ही रहा है, सच में सो गया क्या? इग्नोर। कहीं ये मुस्तफा की जमीन के लिए तो नहीं? सिर्फ उस 5 एकड़ जमीन के लिए। छोड़ दूंगा उसे, छोड़ दूंगा, उसके परिवार का भी ख्याल रखूंगा, वादा। मुस्तफा को जिंदा नहीं कर सकता, इसके अलावा जो चाहिए मांग ले। पीसी, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? इसे सब कुछ दे रहा हूँ पर ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? आखिर तू चाहता क्या है? सोना चाहता है। इंडिया चाहिए मुझे, जले करा। समझ में नहीं आया ना, मेरे इंडिया का दूसरा बेटा अनवर। तुझे अब तक यही लगता है कि तूने चला गया था मारा है, लेकिन तू भूल गया कि तूने उससे भी बड़ा गुनाह किया है। 5 एकड़ देने को तैयार है लेकिन तूने अनवर के इंडिया को मार दिया। हाँ वो बिलीव नहीं करता ना अब इंडिया के, उसमें वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता था और अपने इसी देश को आज वो छोड़कर चला गया। कहाँ होगा वो? क्या कर रहा होगा वो? किस परेशानी में होगा? किस तरह के फैसले ले रहा होगा? क्या तुम और मैं, हम में से कोई भी जानता है? तुम्हारी वजह से वो देश से नफरत करता है, गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत लोगों के बहकावे में आ रहा है। अगर वो इस देश को बर्बाद करने आ गया तो क्या मुझ जैसे सोल्जर को उसे मारना चाहिए? बाहर से नहीं, तुम जैसे लोग देश के अंदर दुश्मन पैदा कर रहे हो। किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम में और पाकिस्तान के आतंकवादियों में क्या फर्क है? क्या पक रहा है? दिल पे लगी, दिल पे लगी, अब लगी ना। कौन है पाकिस्तानी? मैं इंडियन हूँ। सबूत क्या है? क्या सबूत है? सबूत चाहिए, अभी दिखाता। आधार कार्ड क्या है? ये देख, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड और इंडियन पासपोर्ट। तुम्हारे पास क्या है? मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ और इंडिया में ही रहता हूँ, इसलिए मैं इंडियन हूँ। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहाँ होता है। इनकी तो क्लास ही चल रही है पूरी। इंडियन नहीं बनता, पैट्रियोटिज्म क्लास। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए, इंडिया दिल में होना चाहिए। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, मुझे अनवर चाहिए, जाओ ढूंढो। मुझे नहीं पता तुम ये काम कैसे करोगे लेकिन करना होगा। आज तक अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल अपने लिए करते आए हो, आज पहली बार देश के लिए करोगे। और अगर
नहीं मिला। अनवर के लिए मेरे दिल में जो डर है वो सच हुआ ना। तू तो गया लाला। तो मैं जंग की शुरुआत तेरे ही बेटे से करूंगा। झल क्या? कोई देशद्रोही नहीं है बल्कि एक देशभक्त है। मुस्तफा की मौत कोई आत्महत्या नहीं है बल्कि एक हत्या है। अपने पिता की मौत के बाद अनवर हम सबसे नाराज होकर अपना घर छोड़कर चला गया है। अनवर को जल्द से जल्द ढूंढने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है। ले सब लग गए। ओ बंदे मीडिया सारे पुलिस वाले। उसे कुछ गलत कदम ना उठा लियो। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे। सोशल मीडिया पे न्यूज फैला दो। मुझे अनवर चाहिए किसी भी कीमत पर। एक सोल्जर हमारे देश की रक्षा करता है। हम उसके बेटे की रक्षा ना कर पाए तो क्या फायदा। उसका बाप सोल्जर था ना। फटा 72 की मौत। तीनों ही हमलावर 20 से कम उम्र के थे। उसको ये डर है कि कहीं ये वैसा ना बन जाए। कम उम्र में कैसे पैदा हो गई। उसकी अलग तोते उड़े उसका लड़का बता रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा। वो किस परेशानी में होगा। किस तरह के फैसले ले रहा होगा। क्या तुम और मैं हम में से कोई भी जानता है। ये रहा मुंबई में। क्या कर रहे हैं यहाँ पर। पहचान लिए शायद। सब लोग शेयर करे जा रहे हो हर एक चीज। लेकिन अनवर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और अब अनवर को सिर्फ उसकी फैमिली ही नहीं बल्कि हमारा पूरा देश ढूंढ रहा है। प्लीज कम बैक। ये पहला मौका है ना। हाँ उनसे मिल गया। पहली बार मार रहा हूँ पर मौत पहली बार नहीं देख रहा हूँ। बताओ किसे मार रहा है। चला गया जो उसने सोचा था उसी तरीके से। मत कर मत कर मत कर। यहां से वापस कैसे बढ़ेगा फिर। वे इसको नहीं पता क्या लोग इसको ढूंढ रहे हैं। ये इतना लॉस्ट कैसे हो सकता है। आ गया अनवर। आ गया। चलो भैया अनवर वापस तो आ गया। बच गया उस टाइम पे। मेरे को लग रहा उस तक सोशल मीडिया वाली बातें पहुंची नहीं थी अनवर तक कि लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसे ऐसे बातचीत हो चुकी है लेकिन अनवर देर आया दुरुस्त आया। सही टाइम पे सही टाइम पे। जब आप इमोशनली इस तरीके से हो जाता ना कि मतलब जैसे फैमिली ट्रेजेडी हो गई हर एक चीज हो गई और उसको जिस तरीके से परवरिश थी कि पेट्रोटिज्म को लेकर हर एक चीज को और चीज मतलब गलत लगी उसको गलत लगी तो वो कहता ना बदला लेने वाली भावना आ गई थी उसके अंदर। और फिर वो फिर कहता ना जब संगत गलत पड़ जाती है तो वैसे ही माइंड से मेंटली वो डिस्टर्ब था हर एक चीज। लेकिन वो नहीं मिलता ना तो अलग ही इलाज होता। लेकिन मुझे लग रहा है छल्ला यहाँ पर कुछ गेम खेलेगा। छल्ला डबल प्लानिंग तो करेगा। सोशल मीडिया की ताकत है भैया। कुछ भी ढूंढ देते हैं कुछ भी। ये चीज तो है सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे। ये चीज है अगर किसी मतलब किसी चीज के पीछे अगर आप दुम दबा के और पूरी शिद्दत से पहुंच जाओ सोशल मीडिया पे शेयरिंग शेयरिंग हो जाए और मीडिया भी साथ तो आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है खोया हुआ बच्चा भी मिल सकता है लोगों का अगर इस तरीके से एक वो कहता है ना मुहिम सी छेड़ देता अगर उस तरीके से। बाकी अब देखते हैं क्लाइमेक्स सीन में क्या होता है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक और 4-5 मूवी सेज कर देना। बाय टेक केयर।